दोस्तों मैं आते स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ज्ञान के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि NIT उत्तराखंड में क्या कुछ कट ऑफ जाता है। और हाँ, एक बात यहाँ पे मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पे मैं आपको अलग अलग कैटेगरी में राउंड 6 का कट ऑफ बताने वाला हूँ। मैं आपको राउंड 1st या 2nd का बता करके ऐसा आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता कि अरे यार मेरा तो इससे बाहर का जा रहा है, अब तो मेरा हो ही नहीं सकता। तो 6th रैंक तक देखो और खुद का स्कोर देखो, आपको पता चल जाएगा कि आपका रैंक 6th रैंक में कितना कुछ डिफरेंस है और क्या कुछ आपका एडमिशन के चांसेस बनते हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन आप मिस ना कर सको। और चैनल पे सभी NITs के वीडियो आ चुके हैं कट ऑफ का और रिव्यू का, तो आप चैनल पे जाकर के वो भी देख सकते हैं। तो बिना ही टाइम वेस्ट किया वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। यहाँ पे मैं आपको होम स्टेट जनरल न्यूट्रल, अदर स्टेट जनरल न्यूट्रल कोटा में अलग अलग कैटेगरी में बताने वाला हूँ। तो ओपन कैटेगरी अगर मैं होम स्टेट की बात करूँ तो 50,933 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट के रैंक की अगर मैं बात करूं तो 40,993 रैंक तक जाता है। EWS कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल यहां पे कोई भी सीट नहीं थी। जहां पे भी आपको NA दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि पार्टिकुलर कैटेगरी में, पार्टिकुलर कोटा में लास्ट ईयर वहां पे कोई सीट नहीं था। अब आप कोटा और कैटेगरी में यह फर्क है कि कैटेगरी ओपन EWS जो OBC SC ST एक कैटेगरी है, और जो कोटा है वो होम स्टेट और अदर स्टेट का है, जनरल न्यूट्रल और जो सुपर न्यूमरेरी होते हैं उसका। तो यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ जनरल न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ। तो OBC NLC की अगर मैं बात करूँ होम स्टेट में तो 21,740 रैंक तक कट ऑफ जाता है, और अदर स्टेट के लिए 11,798 रैंक तक कट ऑफ जाता है। वहीं पर SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 9,708 रैंक तक जाता है होम स्टेट के लिए, और 4,204 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो होम स्टेट के लिए 2,781 रैंक तक कट ऑफ जाता है। और आप बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, सबसे पॉपुलर यही ब्रांच है आज के डेट में। और हाँ, NIT उत्तराखंड का रिव्यू भी कंप्लीट आ चुका है, बहुत ही जेन्युइन रिव्यू है, तो आप जरूर देखना। अगर मैं बात करूं ओपन कैटेगरी में तो होम स्टेट में 25,305 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो 15,550 रैंक तक जाता है। OBC NLC की अगर मैं बात करूं तो 12,454 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, और 5,352 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 3,859 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, और 2,968 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 2,141 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, और 1,137 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जाता है। तो ओपन कैटेगरी अगर होम स्टेट की मैं बात करूं तो 36,345 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए अगर मैं बात करूं तो 20,028 रैंक तक जाता है। OBC NLC की अगर मैं बात करूं तो 17,982 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, और 7,109 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 6,795 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, और 4,926 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो होम स्टेट में तो कोई सीट थी नहीं पिछले साल। अदर स्टेट की अगर मैं बात करूं तो 2,133 रैंक तक जो है कट ऑफ जाता है। और अब बात करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जा रहा है। तो ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 46,570 रैंक तक जाता है, और अदर स्टेट के लिए 34,529 रैंक तक जाता है। OBC NLC की अगर मैं बात करूं तो 21,708 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, और 10,001 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 8,234 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, और 5,723 रैंक तक अदर स्टेट के लिए कट ऑफ जाता है। ST कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 3,160 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, और अदर स्टेट के लिए 2,211 रैंक तक जाता है। और अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में क्या कुछ कट ऑफ रैंक जाता है NIT उत्तराखंड में। तो ओपन कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 40,494 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, और 30,178 रैंक तक जो अदर स्टेट के लिए आता है। OBC NLC की अगर मैं बात करूं तो 21,902 रैंक तक होम स्टेट के लिए आता है, और 9,642 रैंक तक अदर स्टेट के लिए आता है। वहीं पर SC कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 8,098 रैंक तक कट ऑफ जाता है।